नमस्कार साथियों मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी क्लासेस बाई एग्जामपुर चैनल पर एग्जामपुर परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज का टॉपिक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां द टोपोग्राफी इज फॉर्मड बाई अंडरग्राउंड वाटर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस क्लास में आप लोगों को मिलने वाली है ज्यादा से ज्यादा टोपोग्राफीज के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी पहला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखने वाला हूं और उस प्रश्न की शुरुआत मैं करूंगा एक मोटिवेशनल के साथ, एक प्रेरक वाक्य के साथ मैं शुरुआत करूंगा न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है खुद से वादा किया है आप सभी लोग खुद से वायदा करिए कि कभी भी हौसला नहीं आ चाहे कितनी भी मुसीबत सामने खड़ी हो आज सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ के सोच समझ के आप जवाब देंगे पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने देखिए आपसे क्या पूछा गया है प्रश्न आपके सामने है कार्स्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहा मिलता है पहला प्रश्न है आपके सामने बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कास्ट टोपोग्राफी फाउंड ऑप्शन नंबर ए है यूगोस्लाविया ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस ऑप्शन नंबर सी है मैक्सिको और ऑप्शन नंबर डी है चाइना चार ऑप्शन हैं आपके सामने और चारों ऑप्शन में से राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा यह आप लोगों को बताना है कभी स्वामी जी रेणु सिंह जी पिंकी राजौरिया जी आप सभी लोग सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन पहुंच सके और ये ज्ञान की गंगा में डुबकी केवल आप नहीं आपके साथी भी लगा सके चलेंगे भाई तो का सर्वोत्तम उदाहरण कहां मिलता है चार ऑप्शन हैं आपके पास सबसे पहले आप समझिए कार्स्ट स्थलाकृति आखिरकार क्या होती है कार्स्ट स्थलाकृति आखिरकार कहते किसे हैं देखिए चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियां होती आम आमतौर पर उनको कार्स्ट स्थलाकृति कहते हैं किन किन क्षेत्रों में चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्रों में ये जो चूना के जो क्षेत्र है चूने के जो क्षेत्र है उनमें निर्मित तो स्थलाकृतियां काश स्थलाकृतियां कहलाती हैं और इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है बच्चों वो पूर्व युगोस्लाविया पूर्व युगोस्लाविया वर्तमान में नहीं वर्तमान में अगर हम बात करें तो स्लोवेनिया बोल सकते हैं वर्तमान स्लोवेनिया वेनिया पूर्व युगोस्लाविया इसका एक क्षेत्र है एड्रियाटिक तट एड्रियाटिक तट एड्रियाटिक तट पर जो चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र थे चूने की प्रधानता वाले जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में मौजूद स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहा गया उसी क्षेत्र में मौजूद स्थलाकृतियों के आधार पर ही इन स्थलाकृतियों को नाम मिला जिसका नाम है कार्स्ट स्थलाकृतियां और उनमें जो सर्वोत्तम उदाहरण है चूंकि वहां से इन स्थलाकृतियों का नाम ही उस क्षेत्र से पड़ा है इसीलिए सर्वोत्तम उदाहरण उन्हीं को माना जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न होगा आज की क्लास का दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न में आपको कुछ नॉलेज मिली दूसरे में उसको और आगे बढ़ाते हुए आपको दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न मैं करूंगा दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है चट्टानों की घोलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख होती है आपको बताना है इन विच एरिया इज द सॉल्यूबिलिटी ऑफ रॉक्स प्री डोमिनेट ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर वाले क्षेत्रों में यानी कि इन द सैंडस्टोन एरिया ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में यानी कि इन द लाइम स्टोन एरिया ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी क्षेत्रों में इन द वॉलिक एरिया और ऑप्शन नंबर डी जलोड़ क्षेत्र में यानी कि एलुविल, एलुविल बिल्ट अप एरिया। चार यहां भी इस प्रश्न के अंतर्गत आपको मिल रहे हैं राइट आंसर आप लोगों को देना है कवि स्वामी जी बिल्कुल सही जवाब पहले प्रश्न का आपने दिया दूसरे प्रश्न का भी राइट आंसर आप सभी लोग देंगे ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है और देखिए इस प्रश्न की अगर मैं चर्चा करूं बेटा तो चट्टानों में जो घुलनशीलता है अगर सोल्यूबिलिटी की बात करें बेटा तो चट्टानों में घुलनशीलता जिस क्षेत्र में प्रधानता से पाई जाती है उसका नाम है चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र और इसका जो मुख्य कारण है मुख्य कारण क्या है कि चट्टानों में जो रंध्र हैं, जो संधियां हैं, होल्स हैं उनमें जल पहुंच जाता है प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद घोलीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है गुलन क्रिया स्टार्ट होती है और उसके कारण विभिन्न स्थलाकृतियों का जन्म होता है है ना तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा घुलनशीलता इनमें से जिन क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में पाई जाती है वो चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र है और वही जल की भूमिगत जल की अंडरग्राउंड वाटर की घुलनशीलता के कारण घुलन क्रिया के कारण सोलिबिलिटी के कारण ही बहुत सारी स्थलाकृतियों का जन्म होता है इसके बाद बारी है तीसरे प्रश्न की आपके सामने रखने की तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये प्रश्न भी आपके लिए नई जानकारी लेकर आने वाला है आज की क्लास का जो तीसरा प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने क्या पूछा गया है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है विच ऑफ अ टोपोग्राफी फॉर्मड बाई डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर ऑप्शन नंबर ए स्टेलैक्टाइट ऑप्शन नंबर बी कंदरा स्तंभ यानी कि केव पिलर ऑप्शन नंबर सी स्टेलैगमाइट और ऑप्शन नंबर डी है डोनाइन चार ऑप्शन है देखिए कोई भी इरोजनल इरोजन का फैक्टर हो कोई भी अपर्दन का कारक हो वो दो प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करता है एक इरोजनल वर्क के द्वारा अपर्दनात्मक कार्यों के द्वारा और दूसरा डिपोजिशनल वर्क के द्वारा यानी कि निक्षेपणात्मक कार्यों के, के द्वारा आपने जब मैंने पढ़ाया आपको समझाया नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हिमानी द्वारा निर्मित रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उनमें हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति फलाने कारक की निक्षेपण के कारण बनी हुई है कौन सी स्थलाकृति उस की अपर्दन कार्य के फलस्वरूप बनी हुई है इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो तरीका वो प्रकार हर वो प्रकार जहां से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है उसको आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है देखिए ये चार स्थलाकृतियां दे रखी हैं आपको डिपोजिशनल वर्क के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति नहीं है वो बताना है स्टेलेक्टाइट की बात करें तो बेटा ये डिपोजिशनल वर्क के कारण ही बनती है और बनती कहाँ है कंदराओं में गुफाओं में गुफाओं में बेटा बनती है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों बनती हैं ऊपर से नीचे लटका हुआ जो स्तंभ है जो पिलर है जो कंदरा की छत से नीचे की ओर फर्श की ओर लटकता है उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट चूने के निक्षेप के कारण ऐसा बन ये स्थलाकृति बनती है स्टेलेग्माइट की बात करें तो जो छत से जो फर्श है ना फर्श फर्श से छत की ओर जो चूने के निक्षेप के कारण बना हुआ जो पिलर है जो स्तंभ है वो स्टेलेगमाइट कहलाता है यानी कि ये भी डिपोजिशनल वर्क के कारण बन रहा है और ये भी डिपोजिशनल वर्क के कारण बन रहा है और स्टे और स्टे दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो एक पिलर बन जाता है इस कंदरा के अंदर और उसको हम कहते हैं के पिलर कंदरा स्तंभ कहते हैं उसको यानी कि स्टे के पिलर और स्टे दोनों डिपो तीनों डिपोजिशनल वर्क के कारण बने हुए हैं और जो बना हुआ नहीं है डिपोजिशनल वर्क के कारण वो टोपोग्राफी कौन सी है तो आंसर है बेटा डोलाइन डोलाइन पोलजे युवाला स्टिंग होल्स यानी कि घोल रंस ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो भूमिगत जल के अंडरग्राउंड वाटर के ग्राउंड वाटर के अपर्दनकारी कार्यो के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियां हैं इरोजनल वर्क के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां हैं आगे वाले जो क्वेश्चन हैं, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि इनका निर्माण आखिरकार कैसे होता है डोलाइन की भी जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगी युवाला की जानकारी भी मिलेगी पोलजी की जानकारी भी आपको मिलेगी यानी कि ज्यादा से ज्यादा टोपोग्राफी जो कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है उनको मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा उनकी नॉलेज उनकी जानकारी उनका ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा अभी बारी है क्वेश्चन नंबर चार की आज की क्लास का चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने और चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए आपसे पूछा गया है बेटा आश्चुतास्म और निश्चुतास्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है कहां की है आश्चुतास्म और निश्चुतास्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है स्टेलेगमाइड्स ऑंड स्टेलेक्टाइड्स आर डिपोजिशनल टोपोग्राफीज ऑफ ऑप्शन नंबर वन है पवन की यानी कि विंड की ऑप्शन नंबर बी है भूमिगत जल की यानी कि अंडरग्राउंड वाटर की ऑप्शन नंबर सी है सागरीय जल की यानी कि ओशीन वाटर की और ऑप्शन नंबर डी है हिमानी की यानी कि ग्लेशियर्स की चार ऑप्शन है आपके सामने अभी देखिए अगर आपने पिछले वाले प्रश्न में और जो मैंने बताए थे इंग्लिश टर्म्स थे उनके वो मैंने हालांकि बढ़ा दिए बता दिए लेकिन फिर भी यहां पर हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो चकर हो गए होंगे उनका दिमाग चकरा गया होगा क्यों क्योंकि शुद्ध दिन दी आ गई आश्चुतास्म और निश्चुतास्म इसको समझने की आवश्यकता है कई कई बार एग्जामिनर सरल प्रश्न को भी भाषा के माध्यम से जटिल बना देता है और स्टूडेंट को ज्ञान होते हुए भी राइट आंसर नहीं लगा पाता विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा यहां पर जो निश्चुतास्म दे रखा है उसी को स्टेट लेक बोलते हैं और यहाँ पर जो दे रखा है उसी को बोलते हैं है, है, है। के के है जब जल टपक रहा है और जल के साथ चूने के निक्षेप चूने के जो डिपॉजिट्स है वो भी टपक रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये धीरे 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 छत से फर्श की ओर जमा होते जाते हैं चूने के निक्षेप यहाँ पर एक स्थलाकृति बन जाएगी जिसे हम कहेंगे बेटा क्या निश्चुतास्म निश्चुतास्म कहेंगे इसको और इंग्लिश में इसी को बोलेंगे अच्छा ये जल जब नीचे छत पर सॉरी धरती पर फर्श पर गिरेगा तो ऐसी स्थिति में यहां भी डिपोजिशन होगा और डिपोजिशन के कारण एक यहां भी एक पिलर टाइप का बन जाएगा और ये जो पिलर टाइप का जो स्थलाकृति है उसे हम कहेंगे आश्चुतास्म और इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट स्टेलेक्टाइट और स्टेल दोनों की दोनों जो स्थलाकृतियां हैं बेटा दोनों की दोनों जो स्थलाकृतियां हैं बच्चों वो स्थलाकृतियां आपकी कहा मिलती हैं? कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाने वाली कंदराओं में गुफाओं में न तो पवन इसका राइट आंसर है बेटा न सागरीय जल इसका राइट आंसर है न हिमानी यानी कि ग्लेशियर्स इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है, है भूमिगत जल यानी कि भूमिगत जल से निर्मित उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां टोपोग्राफीज बनती हैं, उन टोपोग्राफीज में सबसे इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी जो है वो आपकी है कौन सी टोपोग्राफी बेटा वो है स्टेग और स्टे इनको अक्सर कर जीरो से लेकर हीरो लेवल तक जीरो से लेकर यूपीएससी के एग्जाम्स तक पीसीएस में ज्योग्राफी के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत अक्सर कर इसको पूछा जाता है तो आपको जानकारी मिली होगी ज्ञान पूरा मिल गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है भले ही क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया है उम्मीद है आपकी समझ में भी आ गया होगा चंदन कुमार जी सर आप आई चैनल पर भी पढ़ाते हैं क्या जी मैं आई एस चैनल पर बेटा नहीं पढ़ाता हूं मैं यूजीसी क्लासेस बाई एग्जामपुर चैनल पर ही इस समय पढ़ा रहा हूं चलिए भाई चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी प्रतीक्षा कर रहा है अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूं एक नई जानकारी लेकर आपके सामने अगला प्रश्न आने वाला है पांचवा प्रश्न है क्या पूछा गया है जरा देख लेते हैं देखिए पूछा गया है कार्ष्ट अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था यानी कि हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्स्ट इरोजन साइकिल ऑप्शन नंबर ए बींदी एवं स्विजिक के द्वारा ऑप्शन नंबर बी डेविस ने के द्वारा ऑप्शन नंबर सी हैरी हेस के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं तीन व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं तीन ऑप्शंस में व्यक्तियों के नाम है और एक ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं आपको छांटना है जैसे आपने पढ़ा अपर्दन चक्र की संकल्पना थ्योरी ऑफ इरोजन साइकिल द कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन साइकिल में होने वाले अपर्दन चक्र का भी एक सिद्धांत है कॉन्सेप्ट है यह किसने दिया अक्सर कर बेटा यहां पे इस क्वेश्चन को लेके अटक जाओगे बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है आप ज्यादातर पुस्तकों में पढ़ोगे तो सीधे सीधे इस टॉपिक में आएगा कि यह नया क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है इसको आप नोट कर लेना इसको लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेविस ने क्या दिया बेटा अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया क्या अपर्दन चक्र का इरोजन साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया है न कि कास्ट अपर्दन चक्र हैरी एस ने क्या दिया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया है बेटा क्या दिया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ना प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया है लेकिन कार्स्ट अपर्दन चक्र का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया है बींदी एवं स्वीजिक ने ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एग्जैक्टली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है आप सभी लोग ने अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा कवि स्वामी जी विलियम मॉरिस डेविस बता रहे लेकिन बेटा उन्होंने केवल अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया न कि कास्ट चक्र की इसको आप ध्यान रखिएगा आप नोट कर लीजिएगा अगर आप पे नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा चलेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने की बारी आ चुकी है छठवा प्रश्न आज की क्लास का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी छठवा प्रश्न भी इन पांच प्रश्नों की तरह नई जानकारी नई सूचना का सूचना को आप तक पहुंचाएगा ये रहा आज की क्लास का छठवां। इसमें क्या पूछा गया है पूछा गया सकुंड। सकुंड के नाम से जाना जाता है सकुंड इज नोन एज युवाला घोलरंध्र, पोलिजे डोलाइन युवाला सिंक होल्स पोलिजे डोलाइन चार ऑप्शन है आपने नाम भी नहीं सुन रखा होगा सकुंड आपने युवाला को सुन रखा होगा आपने सिंहहोल्स को सुन रखा होगा आपने पॉलीजी को सुन रखा होगा आपने डोलाइन को सुन रखा होगा लेकिन आपने नहीं सुन रखा होगा बेटा कि सकुंड क्या होता है सकुंड किसे कहते हैं सकुंड बेटा युवाला को कहते हैं ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर और युवाला होता क्या है एक विशाल गर्त होती है बेटा जब कई सारी डोलाइन आपस में मिल जाते हैं यानी कि कई एक एक क्षेत्र है इसमें वर्षा की बूंदें जब आई ये कार्ष्ट क्षेत्र है ना कार्ष्ट प्रदेश है चूना की प्रधानता वाला क्षेत्र है इसमें वर्षा की बूंदें गिरी गोलन क्रिया स्टार्ट हुई यहां कुछ छिद्र बन गए कुछ बड़ी बड़ी गड्ढे बन गए उनको हम क्या कह रहे हैं डोलाइन डोलाइन और ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे जब आपस में मिल जाएंगे कई सारे तो एक विशाल गर्त बन जाएगी और विशाल गर्त जो है वो क्या कहलाता है युवाला कहलाता है क्या कहलाता है बेटा युवाला कहलाता है और युवाला को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं सकुंड बोलते हैं गोल रंध्र युवाला से छोटे हैं जब कई सारे गोलरंध्र कई सारे सिंक होल्स मिलेंगे तो बनेगा डोलाइन ध्यान रखिएगा और कई सारे डोलाइन मिलेंगे तो बनेगा युवाला या सकुंड और कई सारे युवाला मिलेंगे तो बनेगा पोलिज़े यानी कि पोलिज़े जो है वो युवाला से भी बहुत विस्तृत गर्त है कई सारे युवाला मिलेंगे तब बनेगा पोलिज़े ध्यान रखिएगा इसकी भी जानकारी हो गई आपको इसकी भी जानकारी हो गई आपको पोलिजे की भी जानकारी हो गई आपको और डोलाइन की भी जानकारी हो गई गोलरंद्र से मिलकर बना डोलाइन डोलाइन से मिलकर बना युवाला और युवाओं से मिलकर बना पोलिज सब गड्ढे हैं सब गर्त हैं यह ध्यान रखिएगा है ना कोई छोटे आकार का है कोई और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आकार बढ़ता जा रहा है हो गया बेटा समझ में आ गया चारों स्थलाकृतिया चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं से क्वेश्चन आएगा अपर्दन कार्य के फलस्वरूप स्थलाकृति कौन सी है निक्षेपणकारी कार्य के फलस्वरूप स्थलाकृति कौन सी है ये फलानी स्थलाकृति में से कौन सी स्थलाकृति भूमिगत जल के द्वारा बनी हुई है कौन सी स्थलाकृति विंड के द्वारा बनी हुई है कौन सी स्थलाकृति नदी के द्वारा बनी हुई है कौन सी स्थलाकृति सागरीय जल के द्वारा बनी हुई है इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तैयार रही हर प्रकार के क्वेश्चंस को की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है आपने कहावत तो सुनी होगी तो बिल्कुल तैयार हो जाइए दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि सफलता को प्राप्त करना है किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए बस आपको तैयार रहना है अडिग रहना है और सफलता को प्राप्त करना चलेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने जा रहा हूं मनीष चौधरी जी रेणु सिंह जी कभी स्वामी जी सभी की सभी लोग स्टार्टिंग से क्लास का पूरा के पूरा आनंद ले रहे हैं बेटा एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए आपके कुछ स्टूडेंट आपके कुछ साथी अभी भी सोए हुए बेवकूफ है मूर्ख है अभी भी सो रहे हैं इतना ज्ञान मिल रहा है वो सो रहे जगा दो तो उनको फटाफट चलेंगे अगला प्रश्न ये रहा देखिए क्या पूछा गया पोलजी किसका उदाहरण है लेबनोपोल्जी किसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर एक घोल रंध्र का लेब्नोपोल्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ युवाला का डोलाइन का और पोलिजी का चार ऑप्शंस हैं और चार ऑप्शंस में से आपको बताना है एक क्षेत्र एक नाम दे रखा है लेब्नोपोल्जी ये क्या है ये आपको बताना है देखो कितना बेहतर क्वेश्चन है हर वो प्रकार जहां से क्वेश्चन बन सकता है आप तक पहुंचाने का प्रयास है कितना बेहतरीन प्रश्न है लिब्नो पोलजी किस चीज का उदाहरण है है ना देखिए ये एक पोलजी है पोलजी लिखा हुआ है लेकिन पोलजी है ध्यान रखिएगा बस उच्चारण का अंतर है यानी कि पोलिजे डी यानी कि पोलिजे का उदाहरण है नाम है उसका लिवनो अच्छा बहुत सारे पॉलिजी होंगे तो फिर मैंने लेवनो से ही क्वेश्चन क्यों पूछा बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यूरोप में वाल्कन क्षेत्र का यूरोप में वाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा बेटा सबसे बड़ा पोलिजे है सबसे बड़ा पोलजे है ध्यान रखिएगा यूरोप में बालकन क्षेत्र का सबसे बड़ा पोलिजे है लेबनो और वो लिबनो इसीलिए मैंने आपसे पूछा है क्योंकि तो बालकन क्षेत्र का सबसे बड़ा पोलिजे है और वही क्षेत्र जो है कास्ट स्थलाकृतियों के लिए विशेष तौर पर फेमस है और पोलिजे तो मैंने समझाई दिया कई सारे युवाला मिलेंगे तो एक बहुत विशाल खाई बन जाएगी और वो विस्तृत खाई जिसकी दीवाले खड़ी हो और जिसका जो फर्श है जिसका जो बेसिन है वो समतल हो उसी को हम पोलेजे कहते हैं तो बेटा पोलेजे के बारे में जानकारी मैंने दी अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं रखने जा रहा है ना चलेंगे ये रहा आज की क्लास का अगला प्रश्न सुशील दुबे जी स्वागत है बेटा क्लास में आप सभी प्रश्नों का जवाब अच्छी तरीके से देते चलिए है ना ये रहा आज की क्लास का आठवां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया आठवें प्रश्न में पूछा गया कई युवाला मिलकर एक वृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं मेनी युवालाज टुगेदर फॉर्म अ लार्ज ट्रफ विच इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए राजकुंड ऑप्शन नंबर बी सकुंड ऑप्शन नंबर सी डोलाइन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं चार ऑप्शन है यहां पर आपके साथ और चारों ऑप्शंस में से जो राइट right आंसर है उसका चयन आप लोगों को करना है कि आखिरकार इस प्रश्न का राइट right आंसर क्या है देखिए अगर मैं बात करूं इस प्रश्न की तो जो इस प्रश्न का राइट right आंसर होगा वो क्या होगा यहां पे हिंदी लिखी हुई है इसलिए आप कंफ्यूज्ड हो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि बस आप पे भले क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में कुछ प्रश्न इस प्रकार के आते हैं आपको जानकारी होती है सब कुछ आपको ये पता है कि कई सारे युवाला मिलेंगे तो कई क्या बनेगा पोलेजे बनेगा क्या बनेगा बेटा पोलेजे बनेगा ये तो आप जानते हैं कवि स्वामी जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं सुशील दुबे जी कवि स्वामी जी पिंकी राजौरिया जी सभी लोगों ने आंसर लगा दिया बेटा डो लाइन लगा रहे आप सभी गलत हो आप सभी गलत हो ध्यान रखिएगा यहां पर राइट आंसर पोलिजे है और पोलिजे को हिंदी में ध्यान रखिएगा राजकुंड कहते राजकुंड कहते हैं मैं भी जब छोटा था मैं भी जब पेपर दिया करता था तो कंफ्यूज हो जाता था और उसी कंफ्यूजन को दूर रख करने के लिए मैंने ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आज की क्लास पर रखे हैं युवाला को हिंदी में सकुंड कहते हैं पोलिजे को हिंदी में राजकुंड कहते हैं ये ध्यान रखिएगा और देखो मैंने आपको बताया सिंक होल्स रंध्र छोटे छोटे क्या है छिद्र हैं और असंख्य ऐसे छिद्र हैं उनको गोलरंद्र कहते हैं ये जब आपस में कई सारे रंध्र मिल जाएंगे तो एक विस्तृत गड्ढा बनेगा जिसको हम कहेंगे डोलाइन और वो कई सारे डोलाइन मिलेंगे तो एक बृहद गर्त बन जाएगी जिसको हम कहेंगे युवाला और बहुत सारे युवाला मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी जिसको हम कहेंगे पोलिजे और इसमें ध्यान रखिएगा युवाला को हिंदी में कहेंगे सकुंड और पोलीजे को हिंदी में कहेंगे राजकुंड विशेष तौर तो पर ध्यान रख लो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी आज की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अगला प्रश्न फिर मैं स्क्रीन पर रखने वाला हूं वो प्रश्न भी आपके लिए एकदम से नई जानकारी लेकर आने वाला है अच्छी तरीके से पढ़ के सोच समझ के जवाब दीजिएगा अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने इनको जानकारियों को नोट जरूर करते चलिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है देखिए इस बार आपसे पूछा गया है कि गुप्त धाम नामक कंदरा कहां पर स्थित है गुप्त धाम नाम क्या बेटा गुप्त धाम एक के वह एक कंदरा है ये कहां पर स्थित है और ध्यान रखिएगा ये कंदरा साधारण कंदरा नहीं है ये कंदरा कास्ट प्रदेशों में पाई जाने वाली कंदरा के बारे में पूछा गया है जिनमें स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, केव पिलर आदि स्थलाकृतियां पाई जाती हैं वेयर इज द केव नेम्ड गुप्त धाम लोकेटेड बिहार में यूपी में हिमाचल प्रदेश में और इनमें से कोई नहीं चार ऑप्शंस आपके पास है आंसर को छांटने के लिए आपको बताना है एक कंदरा है जो कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाने वाली कंदराएं हैं बहुत सारी असंख्य कंदराएं हैं उनमें से एक कंदरा है गुप्त धाम नामक गुप्त धाम नामक कहां पर है ये आपको बताना है देखिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्रदेश तो सर ने बताया कि यूरोप में वर्तमान स्लोवेनिया और पूर्व युगोस्लाविया युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चूने की प्रधानता वाले जो क्षेत्र थे उनमें पाई जाने वाली स्थलाकृतियों को काष्ट स्थलाकृति कहा जाता है और वहीं पर विशेष तौर पर काष्ट स्थलाकृतियों का विकास हुआ है ये मैंने बताया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि काष्ट प्रदेश केवल पूर्व यूगोस्लाविया में फ्रांस में भी है यूएस में भी है मैक्सिको में भी है इंडिया में भी कुछ क्षेत्रों में जहां चूने की प्रधानता पाई जाती है वहां ऐसी स्थलाकृतियां मिल सकती हैं और बिहार में रोहतास क्षेत्र है रोहतास और इस रोहतास नामक क्षेत्र में एक कंदरा पाई जाती है जिसे गुप्त धाम नामक कंदरा के नाम से जाना जाता है गुप्त धाम नामक कंदरा इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है जिस प्रकार मैंने लिवनोपोलिजी के माध्यम से आपको चौंका दिया था से सीधा सीधा मैंने एक उदाहरण ले लिया और उससे पूछा और क्यों पूछा यह भी बताया फिर बाद में इसी प्रकार मैंने कंदराओं का भी एक उदाहरण आपके सामने ले लिया अब कंदरा होती क्या है सतह के नीचे जो खाली स्थान है होखला स्थान है उसी को कंदरा कहते हैं बेटा विशेष ध्यान रखिए और साधारणतः कंदराएं इन चूना प्रधान क्षेत्रों में विशेष तौर पर पाई जाती है चलेंगे अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने का समय आ चुका है और अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने दसवां प्रश्न है आपसे पूछा गया है दसवें प्रश्न में चूना पत्थर से निर्मित चोना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है

इसमें क्या आंसर होगा कंदराओं में जो निक्षेप है उनमें स्टेल भी जान गए स्टेल भी जान गए कंदराओं में जो छत से फर्श की और लटका हुआ पिलर है उसे स्टेल कहेंगे और फर्श से छत की और लटका हुआ जो पिलर है उसको स्टेल कहेंगे और ये दोनों पिलर मिलके जब एक हो जाएं तो के पिलर कहेंगे स्तंभ कहेंगे लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि सभी प्रकार के निक्षेप जो कंदराओं में पाए जाते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है सम्मिलित रूप से सभी प्रकार के डिपॉजिट्स जो कंदराओं में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है यानी कि न तो आंसर स्टेलेक्टाइट होगा न आंसर स्टेल होगा आंसर हो जाएगा स्पीलियोथेप इस इसको नोट कर लीजिएगा लिख लीजिएगा प्रदेशों की कंदराओं में पाए जाने वाले संपूर्ण निक्षेपों को सम्मिलित रूप से के नाम से हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का भी राइट आंसर आप लोगों को मिल चुका है अगला प्रश्न मैं रखूंगा आपके सामने रखने की बारी आ चुकी है और अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा ग्यारहवा प्रश्न है एक और नई बेहतरीन जानकारी लेकर आपके सामने ग्यारहवा प्रश्न आने वाला है एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप अपने फेसबुक अपने जितने भी ग्रुप्स है स्टेटस है व्हाट्सएप स्टेटस उस पर शेयर कर दीजिए फटाफट से जिससे कि जो आपके साथ ही जो रह रहे हैं वो क्लास का आनंद ले सके ग्यारह प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है पूछा क्या गया है देखिए अंधी घाटी संबंधित है ब्लाइंड वैली अंधी घाटी किससे संबंधित है ये बताना है ब्लाइंड वैली इज रिलेटेड टू मरुस्थलीय स्थलाकृतियों से मरुस्थलीय स्थलाकृतियों से कार्स्ट स्थलाकृतियों से सागरीय स्थलाकृतियों से इनमें से कोई नहीं डेजर्ट टोपोग्राफी कार्स्ट टोपोग्राफी ओसिनिक टोपोग्राफी नन ऑफ दीज चार ऑप्शंस यहां भी आपके सामने हैं। अंधी घाटी सबसे पहले बेटा आपको समझना यह है कि अंधी घाटी आखिरकार होती क्या है अंधी घाटी समझ लो बेटा ऐसे समझा दूंगा लॉलीपॉप की तरह देखो सभी क्वेश्चन भले ही क्वेश्चन है लेकिन पूरा पूरा समझा रहा हूं मैं आपको समझाने में कोई कमी हो तो बोलो बेटा मजा आ रहा आ रहा रहा है कि नहीं फटाफट से मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में करके बताओ आप सभी लोग क्लास से जो जुड़े हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं सिंभू सिंबू यादव जी बहुत बहुत स्वागत क्लास में आपने आंसर लगाया बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम बात ही कास्ट स्थलाकृतियों की कर रहे हैं तो सिंबू सिंभू यादव जी आपने कॉमन चीज पकड़ के आंसर दे दिया लेकिन अब आप समझ लीजिए कि ये अंधी घाटी ब्लाइंड वैली होती क्या है देखिए मैं आपको बताऊं ये कास्ट प्रदेश है यहां पर एक घाटी है और इस घाटी में बहुत सारे विलियन छिद्र घोल रंध्र ये पाए जा रहे हैं और इसमें बह रही है एक नदी एक नदी बह रही है और ये नदी इस विलियन क्षेत्र में इसका पानी सीधा अंदर चला गया नदी विलुप्त हो गई सीधे अंदर चली गई और पातालीय क्षेत्रों में बहते हुए सीधे सागर में मिल गई इसके बाद ये वाली जो क्षेत्र है ये शुष्क घाटी है यहां पर पानी नहीं है और ये जो शुष्क घाटी जो बची हुई है उसी को हम कहेंगे अंधी घाटी उसी को हम क्या कहेंगे बेटा ब्लाइंड वैली क्योंकि नदी जो आ रही थी वो तो अब गायब हो गई क्षेत्र में पूरा पानी चला गया और पाताली क्षेत्र में पानी बहते बहते यानी कि अंडरग्राउंड हो गई नदी और अंडरग्राउंड पानी बहते बहते सीधे समुद्र में मिल गई ये वाली जो घाटी है इधर रह गई शुष्क ये वाला भाग रह गया पूरी तरीके से शुष्क और यही वाली घाटी जो है अंधी घाटी रेणु सिंह जी सुशील दुबे जी दोनों का दोनों बोल रहे हैं सर पूरी पूरी सारी सारी चीजें समझ में आ रही है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच क्लास से जुड़े रहिए पूरा के पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट सारी क्लियर कर दूंगा ये मेरा पूर्ण अनुमान है अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने जा रहा हूं बारहवा प्रश्न फिर एक बारवां कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है ये रहा आज की क्लास का अगला प्रश्न इसमें आपसे क्या पूछा गया है पूछा गया है बेटा कंदराओं के सभी प्रकार के निक्षेपों में सर्वप्रथम संगठक क्या है कंदरा कंदराओं के सभी प्रकार के निक्षेपों में सर्वप्रथम संगठक क्या है वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनग्रीडियंट इन ऑल टाइप्स ऑफ डिपोजिट्स ऑफ केव्स कैल्साइट प्रोटीन लोहा और इनमें से कोई नहीं कंदराओं में जो निक्षेप पाए जा रहे हैं उनका प्रमुख घटक संगठक क्या है ये आपको बताऊ प्रोटीन इसका आंसर नहीं हो सकता लोहा इसका आंसर नहीं हो सकता चूने के क्षेत्र है इसका आंसर है कैल्साइट, इसका राइट आंसर है कैल्साइट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है कवि स्वामी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है पिंकी 라조리아 जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कॉमन सेंस लायक की हम बात करेंगे क्योंकि चूने की प्रधानता वाले क्षेत्र हैं और चूने में जो पाया जा सकता है जो संगठक पाया जा सकता है वो कैल्साइट हो सकता है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया ये भी लिख लेना बेटा पीएससी लेवल पे पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप अपने तर्कस में डाल के चलते हो तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिल ही जाएगी ये पक्का सौ प्रतिशत बहुत भयंकर गर्मी है आनंद के साथ पढ़ाई के आनंद लीजिए लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए गर्मी में तप रहे हो पसीना आ रहा और पढ़ रहे हो तबीयत खराब हो जाएगी तो आपकी चिंता मुझे सबसे ज्यादा रहती है है ना अपने साथ साथ देखिए आज के क्लास का तेरहवा प्रश्न है तेरहवें प्रश्न से सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि पहले एक कहावत हुआ करती थी आज कहावत यह है कि एसी देखन में गया एसी न मिलिया कोई और जो घर लौटा आपने ऐसी तेसी हो तो भैया बहुत गर्मी पड़ रही है एसी का जमाना चल रहा है नहीं है तो पंखा ही चला लो कूलर चला लो आराम से क्लास लो और क्लास के साथ इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते चलो आनंद लेते चलो निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अरे, तो भाग रही है, है भाई निम्न लिखित में से कौन सी स्थलाकृति कार्स्ट स्थलाकृति का उदाहरण है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी अब बेटा अब आपका क्या है सब कुछ गुलमिल गया है सब कुछ गुल मिल गया और सब कुछ गुल मिल गया है इसीलिए इनमें से अब आप आपको छांट के मुझे बता देना है कि राइट आंसर क्या होगा यारडंग काष्ट स्थलाकृति है कि नहीं है युवाकार की घाटी काष्ट स्थलाकृति है कि नहीं है वी आकार की घाटी काष्ट स्थलाकृति है कि नहीं है और अवकूट काष्ट स्थलाकृति है कि नहीं है अब फिर एक हिंदी वर्ड आ गया अबकूट आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है बेटा इसी प्रकार तैयार रहना है हिंदी अंग्रेजी के सब नाम आपको तैयार करके रखने हैं ध्यान रखिएगा यारडांग बेटा पवन निर्मित स्थलाकृति है मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको मैंने बता दिया पिछली क्लास के अंदर युवाकार की घाटी हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैकार की घाटियों को जब ग्लेशियर्स चौड़ा कर देते हैं युवाकार की घाटी बनती है वी आकार की घाटी नदियां युवावस्था में बनाती हैं बेटा नदियों के द्वारा निर्मित स्थला है यंग एज में कटाव करती हैं अपर्दन करती हैं बन जाती हैं घाटी लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अवकूट और अवकूट की इंग्लिश होती है लेपीज क्या इंग्लिश होती है बेटा लेपीज होती है देखिए कार्ष्ट प्रदेश है इसमें वर्षा की बूंदें गिर रही हैं और वर्षा की बूंदें जब गिर रही हैं तो ये जो जल है वो गुलन क्रिया कर रहा है और इसकी गुलन क्रिया के कारण ये जो क्षेत्र है इसमें इस प्रकार के गड्ढे बन रहे हैं सीधे दीवालों वाले गड्ढे समानांतर गड्ढे बन रहे हैं दीवाले जिनकी सीधी सीधी है उबड़ खावड़ सतह बन रही है इन गड्ढों के कारण इसी उबड़ खावड़ क्षेत्र को लेपीज के नाम से जाना जाता है यही जो स्थलाकृति है वो लेपीज है है ना इसी को हिंदी में हम क्या कहते है? हैं अवकूट है यानी कि खड़ी दीवाल वाले जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनको हम कह रहे हैं लेपीज लेपिज क्रिया के द्वारा काष्ट प्रदेशों में लेपीज बनता है समझ में आ गया होगा आप किस है ना क्लियर समझ में आ गया होगा कवि स्वामी जी सुशील दुबे जी रेणु सिंह जी सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच चौदाहवा प्रश्न आपके सामने ये रहा इसमें आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है एक तरफ दे रखी है यानि शेप, और दूसरी तरफ दे रखी है कारक यानी देखिए ए में दे रखा यारडंग वायु द्वारा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति सही सुमेलित है बेटा ऐश्वरी नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति बिल्कुल सही है आप जानते हैं नर्मदा है ताप्ती ऐश्वरी बनाती है लटकती घाटी अभी अभी मैंने बताया हिमानी द्वारा निर्मित होती है। यू आकार की घाटी है ऊपर से भी हिमनद आ रहे हैं और ऊपर से जो हिमनदों ने जो घाटियां बनाई ऐसी लग रही है इस मुख्य घाटी पर लटक रही हूं ये भी हिमनदों के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति होती है लेकिन नुनाटक बेटा जो है भूमिगत जल के द्वारा बिल्कुल निर्मित स्थलाकृति नहीं है नुनाटक भी हिमानी के द्वारा ही निर्मित एक हिमनदों करती है निर्मित एक स्थलाकृति करती है विस्तृत हिम क्षेत्र में जो ऊंचे ऊंचे थोड़े से ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं जो चारों तरफ से हिम क्षेत्र से घिरे होते, है। होते हैं उन ऊंचे ऊंचे टीलों को उन ऊंचे टीलों को जो चारों ओर से हिम से घिरे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नोनाटक और इसका जो निर्माण है वो भूमिगत जल के द्वारा नहीं हिमनदों के द्वारा होता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नोनाटक भूमिगत जल के द्वारा नहीं हिमानी ग्लेशियर्स की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित एक टोपोग्राफी है एक स्थलाकृति है इस प्रकार के क्वेश्चन भी बेटा आपसे पूछे जाएंगे ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन मैंने बताया है आज की इस क्लास में जिसने भी भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां नहीं किए ध्यान रखिएगा ये क्लास देख लो सब कुछ समझ में आ जाएगा पंद्रहवा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने क्या पूछा गया है जरा देखिए निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है एक बार फिर से सुमेलित जो अनमैच्ड पेयर है उसको छांट लेना है लेपिज भूमिगत जल के द्वारा अभी अभी चर्चा हुई सही है ये जुगेन पवन के द्वारा ही बनता है ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो ढक्कनुमा जो आकृति दवात के ढक्कनुमा जो आकृति बनती है बेटा उसी को हम कहते हैं जुगेन ये मैं बता चुका हूं पहले आपको एस्कर नदी के द्वारा बिल्कुल भी निर्मित नहीं होता हिमनद के द्वारा निर्मित होता है हिमनदों के निक्षेप के कारण जो कटक बनते हैं जो कटक बन जाते हैं ये ऐसे ऐसे कटक बन गए उनको हम बोलते हैं एस्कर इधर मान लो कोई झील है इधर झील है और इधर एक कटक है तो एक कटक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सड़क मार्ग मार्ग बन बन जाएगा रेल बन जाएगा रेल यूरोपीय देशों में बहुत बहुत ये एस्कर जो है बहुत काम आते हैं बादवा की नुनाटक हिमनदों के द्वारा ही निर्मित तो होता है ये भी मैंने आपको बताया तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस प्रश्न का जवाब भी आपने पा लिया है ना बस आज की क्लास में यही आखिरी प्रश्न था पंद्रह प्रश्न कराए मैंने लेकिन आपको जानकारी साठ प्रश्नों के बराबर मिल चुकी है हर प्रश्न में चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को डिटेल्ड तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है इसी सिलसिले को कल की क्लास में भी मैं जारी रखूंगा कई जीत अभी बाकी हैं कई हार अभी बाकी हैं ये तो सिर्फ एक पन्ना था पूरी किताब अभी बाकी है पूरी किताब अभी बाकी है तो अपनी उम्मीद को अपने हौसले को बनाए रखिए कल फिर एक बजे आपसे मुलाकात होगी सागरीय तो जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां टॉपिक रहेंगी यानी कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां सागरीय ज... सॉरी भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ये सब जानने के बाद अब बारी है सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को जानने की अपने इस भू आकृति विज्ञान जियो नामक जो यूनिट है उसको बेहद बेहतरीन तरीके से पक्का करने की बारी अब आ चुकी है मिलेंगे कल जय हिंद जय जै भारत जय महाकाल